यहाँ पर जो शीर्षक दिया हुआ है चित्र वर्णन, चित्र वर्णन को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चित्र वर्णन की जो रचनात्मक कार्य है उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। रचनात्मक कार्य इसलिए कहा जाता है कि ये कार्य आप स्वयं करेंगे और अपनी योग्यता, अपनी वैचारिक क्षमता, अपनी सोच और अपनी भाषी क्षमता के आधार पर आपको यह काम करना है। और या इसके साथ साथ आपकी लेखन क्षमता क्या है, जैसी है उसके आधार पर करना है। यानी एक चित्र को देखना है, चित्र को देखने के बाद आपके मन में जो सोच विचार भावनाएं आती हैं उन सबको एक संग संजो कर अपनी लेखन क्षमता के आधार पर अपनी भाषा में प्रस्तुत करना है। तो ये जो है बहुत बड़ा कार्य है कि आप सबसे पहले चित्र को देखेंगे और चित्र के अंदर जो भी चीज आपको समझ में आ रहा है उसको आपको लिखना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं चित्र के अंदर उनको जो सिर्फ दिखता है, पत्ते हैं, पेड़ हैं, फूल है, तो चित्र जो है सिर्फ जो दिखाई देता है वही नहीं होता। आप लोग बड़े हैं तो फिर आप लोगों को चित्र वर्णन में चित्र को देखने का जो नजरिया है वह आपको विकसित करना होगा अपने अंदर। क्या विकसित करना होगा? देखने का नजरिया, यानी चित्र वर्णन के तहत आपको वस्तुओं का वर्णन तो करना ही है, वस्तुओं का वर्णन तो करना है, चीजों का वर्णन करना है, जो आप देख सक रहे हैं उसका तो वर्णन करना है। इसके साथ साथ उसके अंदर आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी प्राप्त करते हैं, उसे का भी वर्णन करना है, जो आपकी क्या है, जो आपकी जो आलोचनात्मक क्षमता है, आपकी जो वैचारिक क्षमता है उसके आधार पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। देखकर मन में जो भाव और विचार आते हैं उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। तो ये विचार और भाव सबके मन में एक समान नहीं होते। कोई जो है वह अपने तरीके से चित्र को देखता है, कोई चित्र को अपने तरीके से देखता है। तो देखने का नजरिया यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़े तो सबसे पहले चित्र वर्णन किस प्रकार करते हैं, ये मेरी तरफ से अध्यापिका जज की थोड़ा सा ये छोटा प्रयास करूंगी मैं, कि मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को उन बिंदुओं पर सोचने पर मजबूर करूं जिससे कि आप चित्र वर्णन कर सके। तो पहली बात कि ध्यान से देखना, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे। पहला काम आपको जैसे ही चित्र आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक प्रश्न है कि देखे गए चित्र को आप कम से कम 10 से 12 वाक्यों में संक्षेप में लिखें। तो पहला काम करना आपको चित्र को ध्यान से देखना है, उसके लिए समय देना है कि आखिर चित्र में आखिर क्या क्या है ये देखना है। तो चित्र वर्णन करते समय अपना ध्यान चित्र से बनी सभी चीजों पर लगाना चाहिए, अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं सब पर लगाना चाहिए। आगे बढ़े। दूसरा है कहाँ, जगह के बारे में लिखिए, यानी वो चित्र किस जगह की है, पहाड़ों की है, नदियों की है, इंद्रधनुष की है, किस जगह की है आखिर वह आपको पहले देखना है। तो दूसरा ध्यान से देखना चित्र को पहला, और दूसरा कहाँ का चित्र है इस जगह के बारे में लिखें। कौन, चित्र में कौन कौन मौजूद है, वस्तु भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, प्रकृति भी हो सकती है। तो आपको ये भी बताना है कि चित्र में कौन कौन मौजूद है, यानी ध्यान से देखना है कहाँ का है और कौन मौजूद है चित्र में, क्या चित्र में क्या क्या हो रहा है, यानी आप कौन है, कौन वस्तु की, यानी वस्तु के क्षेत्र में, जगह के बारे में, पर क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन सी घटनाएं हो रही, क्या बात घटित हो रही है, उसको भी आपको क्या करना है, देखना है, समझना है। पांचवा अंतिम संदेश क्या है, मुख्य संदेश, मुख्य बात है संदेश। तो चित्र देखकर आपको कौन सा मैसेज मिल रहा है, कौन सा संदेश मिल रहा है, क्या अच्छा मिलता है, कभी बहुत बुरा मिलता है, कभी किसी के कष्ट की बातें सामने आ जाती हैं, तो कभी किसी में कहीं अच्छा दिखना, अच्छी बहुत अच्छी बातें आ जाती हैं चित्र में। तो आपके ऊपर है कि आप उस चित्र को देखने का नजरिया आपका कैसा है। चले आगे बढ़े। चित्र वर्णन से जुड़ी आवश्यक बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए, यानी
जब आप मान लीजिए आपने देख लिया चित्र को, देख पहले तो चित्र को देखने का काम आपने करना है, और देखते समय क्या क्या देखना है, क्या क्या ध्यान देना है, वो हो गया। आप जब लिख रहे हैं तो लिखते वक्त यानी आपके चित्र वर्णन का जो कार्य है वो दो भागों में विभक्त हुआ। पहला चित्र को देखते समय क्या क्या देखना है, और दूसरा चित्र वर्णन के समय जो लिखना है तो किस बातों पर ध्यान देना है। तो पहली बात यहाँ पर देखिए मैंने दी है कि हम जो भी वाक्य बनाए वह चित्र से ही जुड़े होने चाहिए। किससे जुड़े होने चाहिए? चित्र से जुड़े होने चाहिए, बाहर की बातें नहीं लिखनी है। उसके बाद चित्र को देखकर आपके मन में जो भाव आते हैं उन्हीं को लिखना चाहिए, भाव आपके भाव से जुड़े होने चाहिए। मन में जो भाव आते हैं उनको क्रम से लिखना चाहिए, यानी आप बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एक ही वाक्य में दो तीन चार बातें जोड़ के निकाल के रख देते हैं। इससे क्या होता है, आपने कहा कि मैंने अपनी बातों को रख दिया, बात तो सही है आपने अपनी बातों को रख दिया, परंतु कहते हैं ना कि आपको अगर एक प्लेट में बहुत सारे व्यंजन एक संग सजा कर ढाल के दे दिए जाए, तो मैंने तो कहा कि मैंने तो आपको सारे व्यंजन सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें पूरी कचौड़ी और आपका मोमो और आपका पिज्जा सब एक प्लेट में ढाल के दे दिया, दाल भी डाल दिया उसमें, चावल भी डाल दिया उसी में, रोटी भी डाल दिया। तो लेकिन वही अगर क्रम से एक एक करके सजा कर धीरे धीरे अगर आपको खिलाया पिलाया जाए तो खाने का स्वाद ही अलग आता है। ठीक उसी तरह से किसी भी चीज लेखन कार्य में भी आपको यह अच्छी ध्यान देना है कि आपको क्रम से सजा कर अच्छे से लिखना आना चाहिए, जैसे कि जो पढ़ता है यानी जो पढ़ने वाला पाठक है उसको पढ़कर आनंद आ जाए। जैसे आपको खाने का एक एक करके आप धीरे धीरे खाएंगे तो आपको आनंद आएगा, ठीक उसी तरह से पढ़ने वाले को भी आनंद आएगा। इसीलिए कहती हूँ कि आप ऐसा उत्तर लिखे या ऐसी रचनात्मक कार्य करें जिसमें कि आनंद आ जाए यानी मजा आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ें। हाँ तो आप देख सक रहे हैं कि और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए इसमें, कि चित्र की किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करें कि चित्र में जो भी बातें आ रही हैं उन सब चीजों को आप देखिए। हो सकता है कि बहुत सी चीजें आपको दिखाई ना दे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको दिख रही है तो आप उसे नजरअंदाज ना करें। इसके साथ साथ चित्र वर्णन में आपके वाक्य वर्तमान समय के ही हो यानी प्रेजेंट टेंस में हो। ये दिखा हो रहा है, ये खा रहे हैं, ये घूम रहे हैं, झूले पे चढ़ रहे हैं, ठीक है वो हम आपको आगे अभ्यास करके बताएंगे। फिर चित्र वर्णन सरल और सहज भाषा में होनी चाहिए। आप हमेशा से प्रयास करें कि सरल और सहज भाषा का प्रयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद जो ध्यान देने की बातें हैं लिखते समय कि शब्द सीमा का ध्यान रखें। आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग इतने शब्द में या इतने वाक्यों में लिखें तो उसका भी आप ध्यान रखें, और सिर्फ चित्त से ही जुड़ी बातें लिखें, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। हाँ आप अपने मन से कहते कि मुझे लिखना ही है तो मैं लिख दूं, लेकिन उन सब चीजों को अगर आप लिखते हैं तो वो आपके लिए नकारात्मकता की सृष्टि करेगा यानी निगेटिव मार्किंग की तरफ आप जाएंगे। यहाँ पर सामने रखा है, चित्र वर्णन करना है आपको। तो आपको क्या करना है, इस चित्र को आपने अच्छे से देखना है। तो चित्र को अच्छे से आप पहले ध्यान से देखिए, एक एक घटनाओं को ध्यान से देखिए। यानी इसको देखने के पीछे आपको कम से कम 1 से 2 मिनट समय निकालना चाहिए। पहली बात यहाँ पर आपको क्या देना है कि ध्यान से देखना है। दूसरा ये कहाँ का दृश्य है, आप देखिए कि एक तरफ हरियाली है, पेड़ है, पौधे है, उसके बीच में रास्ता बना हुआ है, और सब विशेष करके देखिए यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना, बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे कहाँ पर होते हैं, विशेष करके कहाँ पर होते हैं अधिकतर। इसके बाद कौन कौन है चित्र में और क्या घटनाएं हो रही है ये भी देखना है आपको। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे सारे विद्यार्थियों ने देख लिया है, सबने देख लिया है। तो चलिए एक बार मैं बोल भी देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। गाड़ी है, एक लड़की उसमें बैठी मुस्कुरा रही है बाहर सबको देखते हुए, और उसके गाड़ी से पानी के छींटे जो है सबके ऊपर उधर पीछे पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हाँ उसके साथ साथ तो पहली बात, पहली हम लोगों ने क्या किया था, पहले क्या बोला था, मैंने पहला पॉइंट कहा था कहाँ का है आपको ये देखना है। ये पहला दृश्य कहाँ का है, ये बागीचे का दृश्य है, बागीचे या पार्क का दृश्य है। इसके बाद कौन कौन है इसमें, बच्चे हैं, जानवर है, गाड़ी है, इसमें क्या क्या पेड़ है, पौधे हैं, और इसके साथ साथ
अच्छा इसके बाद है क्या घटनाएं हो रही हैं, यानी सब कोई बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, टिप 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 बारिश की बूंदे गिरती जा रही है, कुछ तो भींगने का मजा ले रहे हैं और कुछ जो है बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग बारिश में किस तरह से पानी नाली में जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं कि एक गाड़ी से बारिश के समय में बारिश का जो पानी है वह लोगों के ऊपर उसके छींटे पकड़ रहे हैं। तो ये सब घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, और भी बहुत सी घटनाएं हैं वो मैं चित्र वर्णन करते समय आपको बता देती हूँ। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आप यही चित्र है जो आप लोगों ने पहले देखा था, अब यहाँ पर मैं आपको क्या है कि घटनाओं का वर्णन कर रही हूँ। पहला है यह एक बहुत सुंदर बगीचे का दृश्य है, मैंने कहा था। अच्छा इसके बाद दिन के समय बारिश की बूंदे गिर रही हैं। दिन का समय है, समय भी बताना है आपको, कौन सा समय, रात का समय है जो भी, और क्या हो रहा है कि बारिश की बूंदे गिर रही है। इसके बाद यहाँ पर बगीचे में सभी बच्चे बारिश में खुशी से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बारे में है, कौन कौन है बच्चे हैं, विशेष करके बच्चे ही हैं। और इसके बाद जो है कि एक लड़का बारिश में बिना छाता के बहुत खुश है। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है खुशी का भाव कि बारिश जो है लोगों के मन में खुशी की सृष्टि करता है। इसके बाद जो है एक लड़की बिल्ली को बारिश में अपने छाता से भीगने से बचा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि वह क्या है कि क्या है, जानवरों से प्रेम करती है, तभी ना अपने को भीगने दे रही है लेकिन उस बिल्ली को बचा रही है। तो इस तरह से और भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि आप कक्षा पांचवी में हैं तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि और भी बहुत सी बातें आपको कम से कम 10 से 12 या 12 से 14 वाक्य आपको लिखने चाहिए। तो ये रहा, यहाँ मेरे पास जगह जितनी थी मैंने उतना आपके सामने प्रस्तुत किया।